हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई बताएं। हाँ हाँ हेलो, अरे शाहिद भाई। हाँ बोलिए। हाँ हाँ भाई, तकलीद के ऊपर बात हो रही थी। अच्छा वो तकलीफ के ऊपर ही बात हो रही थी। भाई, ये बताइए, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में किसी की भी भाई तकलीद को ना करे तो क्या वो जन्नत जाएगा या नहीं जाएगा? भाई पहले बात तो होने दीजिए, बाद में फतवा देंगे। जन्नत तो जानना का फैसला अल्लाह करेगा, मैं नहीं। नहीं, मतलब भाई भाई इतनी अहम चीज है तकलीद, तो अगर इतनी अहम चीज भाई तकलीद को अगर कोई छोड़ दे तो भाई वो तो जहन्नम में जाएगा ना, तो नहीं भाई, ये फतवा नहीं दे सकता मैं या तो इसका। जन्नत में नहीं जाएगा। नहीं नहीं मैं इसका हकदार नहीं हूँ ना। जन्नत तो जहन्नम का फैसला तो मेरे इधर नहीं, से। फतवा फैसला मैं नहीं आपसे मांग रहा हूँ, आपकी एक मतलब आपका आइडिया क्या है, मतलब थोड़ा अंदाज आपका, गैस आप कीजिए। नहीं, मैं गैस भी नहीं कर सकता इसके बारे में। कहीं अल्लाह बकर ना कर दे। मैं भाई दलील दे सकता हूँ कि जायज या ना जायज। आप दलील दे सकते हो जायज या ना जायज। आप ये नहीं कह सकते कि मुकल्लदीन जन्नत है जहन्नम में जाएंगे। हाँ तो वैसे ही भाई, तकलीफ का छोड़ना या पकड़ना वो अल्लाह जानता है बेहतर। हाँ नहीं पहले तो बात वही तो तो कह रहे उसने। ना भाई, तकलीद आजकल का मतलब एक मेन मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, तो तकलीद मतलब भाई हमारे कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था, जामे तिर्मिजी की हदीस है कि सबसे बेहतरीन जमाना मेरा है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, यानी कि सहाबा का, ताबई का, तबे ताबईन का, और इन तीनों जमाने में तकलीद का नामो भाई कुछ भी ना, इसका नाम मौजूद था ना इसका अमल मौजूद था। आप समझ रहे हैं, तकलीद तो थी नहीं, लेकिन ये बाद में आई हुई है, क्योंकि मुल्ला अली कारी भाई वो लिखते हैं कि जो ये तकलीद थी ये 4वीं सदी हिजरी में भाई ये आई है, मतलब ये सामने आई है वजूद में। नहीं हुआ भाई, 4वीं हिजरी में नहीं हुआ। अब भाई ये आलमी दीन कह रहे हैं, अब मैंने तो भाई, मैं तो 4वीं सदी में था नहीं जो मेरे को मालूम हो। हाँ मुल्ला अली कारी रहिमहुल्लाह ने जो बात कही है वो क्या है कि 4वीं सदी में बाकी सारे मसाए मसलक जो थे, एक तो इमाम लेस रहिमहुल्लाह का बहुत लंबा समय तक एक मसलक चला जो उनके फतवे पे, सुफयान थौरी रहिमहुल्लाह का उनके फतवे पे अमल करने वाले लोग थे। लेकिन 4 सदी में ये सब मसलक खत्म हो गई और उम्मत इस हर सिर्फ चार आइमा के मुस्तहिदीन की तकलीद को लाजिम पकड़ के अमल करने लगे। 4 सदी हाँ, में ये तो ये हुआ। लाजिम जो पकड़ने वाला अमल था, तो ये लाजिम पकड़ के चारों को मतलब आपस में अलग अलग बांट लेना, क्या ये सही हुआ या गलत हुआ? पहली बात तो ये है भाई, देखिए आप, मैं एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। आप सारे नबी को हक मानते हैं, हाँ, कोई तो इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। हाँ इख्तलाफ नहीं है। तो अब सारे नबी के शरीयत पे अमल हो सकता है? नहीं ना, हमारे नबी की शरीयत पे अमल होगी, हमें कहे कि नहीं। हाँ हाँ तो वैसे ही आप सारो आइमा जो है उन्होंने अपनी तरफ से इश्तेहार किया। तो उनके इश्तेहार आप सारो इमाम को एक साथ नहीं मान सकते ना, तो उसके लिए एक इमाम को चुनना पड़ेगा ना कि मैं, मेरे अंदर सलाहियत नहीं है, मैं इश्तेहार नहीं कर सकता। हाँ तो उसके लिए आप किसी एक इमाम के फतवे पर चलना पड़ेगा ना, उसके लिए आप सारों को एक साथ कैसे ले सकते हैं? तो मसलन एक बात मैं कह देता हूँ। हाँ तो हमारे नजदीक बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है, यानी वाजिब है नमाज के अंदर। हाँ तो अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो उसके पीछे हमारी नमाज नहीं होगी। ये इमाम शाफी रहिमहुल्लाह का कौल है जो साबित भी है। हाँ तो उधर इमाम मालिक रहिमहुल्लाह जो है उन्होंने कहा है, जो इमाम दारुल हिजाज थे, मानते हैं आप इसको? हाँ हाँ, मदीना के। मदीना के तो बहुत बड़े इमाम थे, इमाम जुहूरी रहिमहुल्लाह के सागिर थे। तो इमाम मालिक क्या फरमाते हैं कि सूरह बिस्मिल्लाह, सूरह नमाज में सूरह बिस्मिल्लाह पढ़ना वो मकरूह है। हाँ तो आप बताइए, आप इमाम शाफी के किस कॉल को लेके नमाज पढ़ेंगे या इमाम मालिक के? क्योंकि दोनों का रुख अलग है। तो हाँ, आपको एक ही इमाम चुनना पड़ेगा ना कि यार हाँ मैं तो तो ये इमाम शाफी अच्छा, ठीक भाई, बोल लिया आपने। हाँ बोलिया। भाई, असल में देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा था
कि भाई हम भाई वो तमाम के तमाम अंबिया को मानते हैं, ठीक, लेकिन जो भाई मतलब जो अमल होता है वो जो आखिरी हमारे नबी हैं अल्लाह के नबी के ऊपर होता है, ठीक है। तो बात ये है ना, क्योंकि भाई हम लोग आखिरी जो हमारे जो अल्लाह के नबी हैं, हम उनकी उम्मत में भाई पैदा हुए हैं, अल्लाह ने उनकी उम्मत बना के भेजा है, इसलिए हम लोग उनको फॉलो करते हैं। लेकिन जो ये चार अइमा हैं, ठीक है, ये भी तो हमारी उम्मत में से हैं, तो जो हमारी उम्मत में से चारों भाई वो हमारे अपने हैं, तो चारों को भाई हम लोग एक साथ कहे ना माने, उसमें से किसी एक को मानना, ये मतलब जो ये उसूल आप लाए ये कहाँ से लाए? तो मैंने आपको दलील दिया ना भाई। नहीं नहीं, सहाबा के दौर के जमाना आपको हम बता रहे हैं, ठीक है भाई, वो अबू बकर भी थे, उमर भी थे, उस्मान भी थे, अली भी थे, ठीक है भाई, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऑल। तो भाई इन चारों के मानने वाले तो अलग अलग थे नहीं, कि मतलब भाई आधे लोग कहें कि नहीं भाई हम अबू बकर की बात को माने ले रहे हैं, आधे लोग कह रहे हैं उमर की बात को माने ले रहे हैं, आधे लोग उस्मान की, आधे लोग अली रज़ी अल्लाह तआला की, ऐसा तो है नहीं। चारों ने भाई जो भी सहाबा थे उन्होंने चारों को माना और एकदम बराबर माना, और जो ये चारों दीन जो लेते थे ये भी अल्लाह और अल्लाह के भाई जो आखिरी जो पैगंबर थे उनसे लेते थे। तो इसी तरीके से जो भाई चार अइमा है, जहाँ से उन्होंने दीन लिया वहाँ से तुम लेंगे, और चारों अइमा ने आज तक नहीं कहा कि मेरे जाने के बाद तुम लोग भाई मतलब भाई वो हमारी ही भाई तकलीफ करना और हमारे नाम से मसलक बना लेना और चारों में से किसी एक को ही मानना और ये वाजिब है। तो ये भाई ये तो दीन में अपनी अकल हो जाएगी ना। तो भाई आपको मैं एक हवाला दे रहा हूँ। एक बात मेरी पूरी हो जाए, आपने कहा कि हम अपने आप से भाई हम कुछ नहीं कर सकते, दीन मतलब भाई वो सीख नहीं सकते, इस्तिहाद भाई वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप भाई तकलीफ को साबित करने के लिए आप इतने सारे हवाले दे रहे हो, दलील दे रहे हो, ठीक, यानी कि आपके अंदर अल्लाह ने तहकीक की भाई काबिलियत दी है, लेकिन आप लोग जबरदस्ती मतलब भाई तकलीफ को अपने ऊपर भाई थोप रहे हो, वाजिब कर रहे हो, आप बात को समझो। जब आप भाई तकलीफ को साबित करने के लिए इतनी तहकीक कर रहे हो, ठीक है, आप बात को सोचो मेरे भाई एक बार अपनी अकल से, कि भाई तकलीफ जो है तकलीफ करता है जाहिल, जो बेचारा अनपढ़ हो, जिसको अरबी उर्दू पढ़ना ना आता हो, जिसको कुछ समझ में नहीं आता हो, तो वो किसी अपने आलिम दीन से पूछ के बस आंख मुंह कान बंद करके जैसे हमारे आलिम साहब कर रहे हैं, जैसे बाप दादा कर रहे हैं, वैसे करते जाओ, ठीक। तो ये तो उनके लिए तकलीद हो गई, लेकिन आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हो, आप तकलीद को हवालों से साबित करने की कोशिश कर रहे हो, और उसके बावजूद भी आप कह रहे हो कि हम तकलीद हैं। अब इतने सारे आलिम दीन है भाई वो कारी हैं और हाफिज हैं और मुफ्ती हैं, ठीक है, वो बच्चों को हदीस पढ़ा रहे हैं, हदीस सिखा रहे हैं, भाई वो शेखुल हदीस बने बैठे हुए हैं, उसके बावजूद कहते हैं कि हम तो मुकल्लिद हैं। तो यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखिए, हमने आपसे उस दिन भी कहा था कि जो ये भाई ये जो तकलीद है ये एक बीच में फतवा दिया गया था, ठीक है, कि हाँ भाई जो लोग बेचारे अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, जिनको कलमा तक नहीं आता, जिनको ना मतलब भाई वो पाकी और ना पाकी इनके मसाइल भी नहीं मालूम है, तो इनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बता दें, ठीक है, ताकि ये लोग अपना अमल करना स्टार्ट कर दें। ये एक भाई ये टेम्परेरी भाई ये फतवा था, आप समझ रहे, जो ये भाई जो तकलीफ जो है, जो ये अमल है, ये एक भाई ये टेम्परेरी भाई ये फतवा था जो उस वक्त के लोगों के लिए था, कि बेचारे जो लोग जाहिर थे, अनपढ़ थे, मजबूरी के लिए था, लेकिन ये मजबूरी से धीरे धीरे भाई ये मतलब भाई वो जरूरी बन गया कि यहाँ तक भी जरूरी है, फिर जरूरी से धीरे धीरे हो गया वाजिब है। तो भाई ये वाजिब किसने किया? ये अल्लाह ने वाजिब किया या अल्लाह के नबी ने वाजिब किया या हमने अपनी अकल से उसको वाजिब कर लिया? अल्लाह ने किया। हाँ तो बताइए अब जरा, अल्लाह ताला ने कहाँ कहा है कि भाई चार इमाम आएंगे उनमें से एक के मसलक पे आप लोग चलना? नहीं तकलीद के ऊपर बात हो रही ना, तो हाँ तो तकलीद तो है ना भाई, चारों इमाम में से एक की भाई तकलीफ करना वाजिब है, तो ये वाजिब किसने किया? आइम्मा को बाद में लाएंगे कि आइम्मा को हम क्यों मानते हैं, इसको बाद में लाएंगे। अच्छा ठीक है, आइम्मा को हटाइए और हमने आसान कर दिया, आइम्मा को हटाइए, इमाम को हटाइए, सबको हटाइए, किसी की भी तकलीफ करना वाजिब है, ये अल्लाह ताला ने कब कहा? अच्छा तो मैं जो आपको हवाला दे रहा हूँ, तो आप
पहले ये बताइए, आप कुरान को अपने अंदाज में समझते हैं या सलफ? भाई हम सलफी हैं, सलफ सॉलिन को मानने वाले हैं ना, इसीलिए तो सलफी हम लोग को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अच्छा, तो आपने ठीक कहा बात। हाँ, तो इसका मैं हवाला दे रहा हूँ। किसका हवाला दे रहा हूँ? तकलीफ के ऊपर। किसका तकलीफ के ऊपर हवाला दे रहा हूँ अभी? अरे किसका दे रहे हैं? कुरान का दे रहे हैं, हदीस का दे रहे हैं, अमले साहबा का दे रहे हैं, या कुरान का? भैया किसी आलिम दीन का दे रहे हैं? आलिम दीन का तो बात ही बहुत पीछे आज के जमाने का, मैं सलफ से हवाला दे रहा हूँ, कुरान का। दो हवाले है मेरे पास, एक तो सूरह निसा आयत नंबर 59। भाई सबसे बड़ा जुल्म भाई ये है ना कि जिस आयत से तकलीद का रद्द होता है लोग उससे तकलीद को साबित करते हैं, ये सबसे बड़ा जुल्म है। अभी मेरी बात आप सुन लीजिए, बाद में आपको कहीं भी गलती लगे तो आप ठोक दो, ठीक है? हाँ बताइए भाई, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59। अभी अमरी मिनको या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीरसूल व उलिल अम्री मिनकुम। फिर इस आयत की तफसीर में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उलिल अम्र से मुराद असहाबे फुकहा और असहाबे खैर मुराद है। ये हवाला हकीम की है, विल नंबर 1। हाँ बिल्कुल सही आप बता रहे हैं भाई, जो भाई यहाँ पे उलिल अम्र है इससे मुराद फुकहा है, आलमी दीन है, उलमाए हक है और हाकिम है। हाँ सही बात है। तो मतलब तो उनको तकलीद इससे कहाँ हो गई? अब वही साबित करे ना। अरे अल्लाह के बंदे देखिए, उलिल अम्र क्या मतलब भाई, खाली चार ही बीते हैं, अब क्या था कयामत तक कोई आएगा नहीं? उलिल अम्र, उलिल अम्र से जो फुकहा मुराद है, फुकहा। अरे तो फुकहा क्या, अब मेरे भाई पैदा ही नहीं होंगे तक कयामत तक, बस ये चार लोग आए, चार लोग आके चले गए, अब कोई आएगा नहीं? तो भाई पहली बात तो ये, जो फुकहा थे आइमा ने जो इस्तेहाद किया था, जो उसूल बनाए थे, वो उसूल अब दूसरी बार कोई नहीं बना सकता तय कयामत तक। वो क्यों नहीं बना सकता मेरे भाई, उन जैसा कोई आया ही नहीं ना अभी तक। अरे फिर वही चीज मेरे भाई, अल्लाह ताला के लिए कोई कोई भी बड़ी बात नहीं है, अल्लाह ताला खाली कहता है कुन फयकून, हो जाता है वो हो जाता है, हो जाता है, अल्लाह के लिए कोई मसला नहीं है, अल्लाह के लिए कोई मसला नहीं। लेकिन अल्लाह ने उन लोगों को कबूल किया ना, नहीं तो इतनी बड़ी उम्मत को। अरे अल्लाह ने कबूल किया ये मेरे भाई, आप मेरे भाई मतलब क्या बोल लो, मैं आपसे पूछो भाई तकलीद की आप दलील दीजिए। उलिल अम्र वो है चारों जो अइमा है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको हम भाई वो उलिल अम्र ही मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनकी बात को भी मानते हैं, उनकी राय को भी मानते हैं, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के नबी के बाद तो ये मैटर नहीं चल रहा है, मैटर चल रहा है तकलीद का। इस आयत में ये कहा है कि उलिल अम्र है और उनमें से किसी एक की बात को मानो, ऐसा आयत में है? उलिल अम्र की इताअत करो, इसका तो आपने मान लिया। तो इताअत क्या है मेरे भाई? इतिहास वही है जो क्या कहते हैं कि बगैर दलील किसी को बात को मान ले। अच्छा अरे अल्लाह के बंदे मतलब क्या मतलब, कहीं की टांग कहीं की पूछ मेरे भाई बांध के अपना मसला साबित कर रहे हैं आप। मैं अपना नहीं, इमाम गजाली का भी हवाला दे चुका हूँ आपको पहले। मेरे भाई मेरे भाई इमाम गजाली पे भी हम बाद में आते हैं। देखिए अल्लाह ताला क्या कह रहा है, ठीक, अतीउल्लाह यानी कि अल्लाह की इताअत करो, उसके बाद ठीक है अति रसूल यानी कि अल्लाह के नबी की इताअत करो, इताअत करो, उसके बाद क्या आ रहा है, वा अम्र, वा उलिल अम्र मिनकुम, ठीक, और जो तुम में हाकिम हो उनकी बात मानो, ठीक। तो यहाँ पे जो भाई ये अति का जो भाई ये अल्फाज आ रहा है यानी कि भाई वो इताअत का, इत्तबा का, पैरवी का, वो अल्लाह के और अल्लाह के नबी के, इन दोनों के साथ आ रहा है, ठीक। लेकिन जो ये उलिल अम्र हैं, ये अल्लाह और अल्लाह के नबी के मातियत हैं, आप बात समझिए। उलिल अम्र अगर अल्लाह और अल्लाह के नबी के मातियत, उनसे साबित कोई दलील अगर दे के बात बता रहा है तो हम उसकी मानेंगे, और अल्लाह और अल्लाह के नबी से हट के कोई बात कह रहा है तो उसको हम छोड़ देंगे।
ठीक। और इस आयत में अल्लाह ताला आगे कहते हैं कि अगर इनमें आपस में भाई इख्तलाफ हो जाए, ठीक, यानी कि जो भाई ये उलिल अम्र हैं, इनमें आपस में मान लो भाई अलग अलग राय हो जाए, वो अलग कह रहे हैं, वो अलग कह रहे हैं, वो हलाल कह रहे हैं, वो हराम कह रहे हैं, वो जायज कह रहे हैं, वो नाजायज कह रहे हैं, तो भाई आमी तो कंफ्यूज हो जाएगा, तो वो क्या करेगा। तो सबसे बेहतरीन भाई उसूल है कि अगर आपस में इख्तलाफ हो जाए तो वापस जाओ अल्लाह और अल्लाह के नबी के पास, ठीक। तो इससे तो भाई तकलीद का रद्द हो गया ना। तकलीद अगर होती कि चारों भाई वो अइमा है, उनमें से एक की पैरवी, एक की तकलीद भाई ये वाजिब है, तो सब लोग अपने अपने भाई इमाम की बात मानते, भाई इख्तलाफी ना होता, भाई इख्तलाफी ना होता ना। भाई शाफई अपने शाफई की मान रहे हैं, हनफी अपने हनफी की मान रहे हैं, मालिकी अपने मलकी की मान रहे हैं, हम्बली अपने भाई वो अपने इमाम की मान रहे हैं, तो चारों अपने अपने इमाम की मानते, भाई वो इख्तलाफ ही ना होता। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि अगर इख्तलाफ हो जाए तो, यानी कि अल्लाह को मालूम है कि भाई इख्तलाफ होगा होगा, क्यों इख्तलाफ होगा भाई, काहे के लिए भाई इख्तलाफ होगा, इसको आप थोड़ा ठंडा पानी पी के आप सोचिएगा, ठीक है भाई। जो भाई ये आयत है ना भाई, ये कुरान की अल्हम्दुलिल्लाह पूरा का पूरा जो भाई ये कुरान है, ये एक अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये मौजज़ा है, आप समझ रहे हैं। इसको दिल से और एकदम हिदायत की नियत से अगर आप समझेंगे बात आपके समझ में आएगी। अल्लाह ताला को मालूम था कि भाई इख्तलाफ होगा, क्योंकि जब लोग भाई अमानी देखिए, तकलीद का माना क्या है कि बिना दलील के भाई किसी की बात को मान लेना, ठीक, यानी कि अगर मैं हनफी हूँ, मैंने अपने इमाम की बात को बिना दलील के मान लिया, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। आप शाफई हो, आपने इमाम शाफई की बात को मान लिया, आप उनकी बात को फॉलो कर रहे हो, ठीक। आपको ना हमसे लेना देना, ना हमको आपसे लेना देना, इख्तलाफ होगा नहीं। लेकिन अब आप भी दलील देख रहे हो कि आपके इमाम ने जो बात कही है वो कहाँ से लाए, और हम भी दलील भाई वो देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि जो हमारे इमाम साहब के मसलक में ये हो रहा है इसकी दलील क्या है, ठीक भाई। शाफई लोग बांध रहे हैं भाई वो नाप के ऊपर हाथ, ठीक, और भाई ये हनफी लोग बांध रहे हैं नाप के नीचे हाथ। तो अब अभी तक अंधेपन में आप भी बांध रहे थे, अंधेपन में हम भी बांध रहे थे, एक दूसरे में कोई भी इख्तलाफ नहीं। लेकिन जब दलील आपने ढूंढना स्टार्ट किया, हमने ढूंढना स्टार्ट किया, तो भाई इख्तलाफ हो गया, ठीक। तो यहाँ पे जो माना है, वहाँ पे माना है भाई इत्तबा का, कि हमें अपने जो भाई वो जो हमारे भाई वो इमाम है, उलिल अम्र है, उनकी भाई इत्तबा करना है, दलील की बुनियाद पे उनकी बात मानना है, अंधे बन के उनकी बात नहीं मानना है। नहीं, क्योंकि दलील की बुनियाद पे बात मानेंगे तभी तो भाई वो इख्तलाफ होगा, और जब भाई वो इख्तलाफ होगा तभी तो हम जाके देखेंगे कि हाँ कौन से इमाम की बात ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के नबी के करीब है, हम उसको मान लेंगे, चाहे वो चार हो, चाहे 40 हो, चाहे 400 हो, उससे कोई लेना देना ही नहीं। तो आपका हो गया अभी? नहीं, हो नहीं गया मेरे भाई, तकलीद की आप दलील दीजिए ना कुरान से। मैं आपको दलील ही दे रहा हूँ भाई। तो आप तनाजा का जो मीनिंग ले रहे हो आप, तो उनसे आपका क्या मुराद है? फन तनाजा क्या, तनाजा से मुराद आपका क्या है कि आवाम है या खास है? क्या फाइन तनाजा, अगर उनमें इख्तलाफ हो जाए, तो इससे मुराद आप क्या ले रहे हो कि उलमा है या खास है या आवाम है? नहीं, उलमाओं का भी इख्तलाफ आजकल चल रहा है, आवाम का भी चल रहा है, सबका इख्तलाफ चल रहा है। आवाम को आप इससे आपका क्या मुराद ले रहे हो, उलमा है कि खास ले रहे हो या आवाम ले रहे हो? भाई हम दोनों ले रहे हैं, तावीले खास भी ले रहे हैं, तावीले आम भी ले रहे हैं। नहीं नहीं, आप देख लीजिए ना, आप तो इससे याद कर नहीं सकते भाई। क्यों नहीं कर सकते? एल एडीज कर सकता है, आप नहीं कर सकते? इससे आज के लिए बहुत शर्त है ना, अब वो बाद में आएंगे पहले। हाँ भाई, वो इस्तेहाद के लिए मेरे भाई वो शर्तें हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? आप भाई इल्म को हासिल कीजिए, आप भी कीजिए भाई। इस्तेहाद से मतलब किसी ने रोका है क्या आपको? अगर मैं हूँ, अगर मैं भाई वो तालिबे इल्म हूँ और मैं किसी मसले में तहकीक कर रहा हूँ सच्चे दिल से, और अगर मैं सही बात तक पहुँच जाता हूँ, तो भी मेरे को दो नेकी है। अगर मुझसे कुछ भाई वो चूक हो जाती है, तो भी हमको एक नेकी मिलेगी। लेकिन अगर हम अंधे बन के किसी के पीछे चल रहे हैं, तो अगर भाई वो हम सही कर रहे हैं तब तो ठीक है, बच जाएंगे। लेकिन अगर अंधे बन के हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला को जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला पूछेगा कि हमने तुमको इंसान बनाया था, दिमाग दिया था, अकल दी थी,
तो तुमने क्यों नहीं मेरे भाई, तुमको दुनिया में एक भाई चप्पल खरीदनी थी तो तुम सारी की सारी दुकानें गए कि अच्छी चप्पल मिल जाए, सस्ती मिल जाए, डिस्काउंट वाली मिल जाए, गारंटी वाली मिल जाए, मजबूत चप्पल मिल जाए। लेकिन मेरे जब दीन का मसला आया तो तुमने अपनी इमाम की बात को आग बन करके मान लिया। कभी तुमने ये देखने की कोशिश भाई ये की नहीं कि तुम्हारे अल्लाह ने क्या कहा, तुम्हारे अल्लाह के नबी ने क्या कहा और तुम्हारे प्यारे साहबा कैसे करते थे? तो हमें तो जवाब देना पड़ेगा ना। वो आपसे बाद में डिस्कशन कर ले, पहले आप इन तनाजा से क्या मुराद ले रहे हो वो बताइए। भाई उलमाओं का इख्तलाफ, और जब भाई वो भाई उलमाओं में इख्तलाफ होगा तो उनके मानने वालों में भी भाई इख्तलाफ होगा। अब मतलब आपके पास मेरे भी इख्तलाफ हो रहा है तो ये इससे मुराद आप ये फाइन तनाजा से आप और मैं भी पूछेंगे क्या? हाँ मेरे भाई मानिए भाई आप और हम है ठीक। अब भाई आप कह रहे हैं भाई तकलीफ करना चाहिए करना चाहिए, और हम कह रहे हैं कि भाई तकलीफ देने इस्लाम में है ही नहीं। अब आप में हम में भाई वो भाई इख्तलाफ हो गया। अब आप अपने आलिमों को छोड़ दीजिए, हम अपने आलिमों को छोड़ देते हैं। अब सीधे वापस भाई पलट जाते हैं अल्लाह और अल्लाह के नबी की तरफ ठीक। आप हमें दलील दीजिए कि हाँ भाई कुरान से भाई तकलीफ करना साबित है और भाई हदीस से साबित है। हम आपको दलील देंगे कि मेरे भाई कुरान में कहीं पे भी जो तकलीद आप लोग करते हो उसके बारे में भाई आया ही नहीं है। तो अब ये तो आपका आपके मुताबिक हुआ ना कि फाइन तनाजा से आप आवाम मुराद है, लेकिन मैं अरे मेरे भाई उलमाए दीन भी मुराद है, आवाम भी। जब उलमाओं में इख्तलाफ होगा तो आवाम में तो होगा ना। तो ठीक है, हम आवाम और उलमा दोनों मान लेते हैं ठीक है। आपके कॉल के मुताबिक हम दोनों मान लेते हैं। मेरे कॉल के मुताबिक ना मानिए, आपका कॉल क्या है अपने हिसाब से मान लो भाई। नहीं नहीं नहीं, मेरा कॉल तो है ही नहीं, क्योंकि कुरान को मैं अपनी तरफ से नहीं समझता, मैं सलफ के मेहनत से समझता हूँ ना। तो सलफ खाली आपके जो शाफी सलफ है उनको ही मानते हैं? नहीं 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 भाई, वो शाफी सलफ से हम नहीं मानते ना। तो अब मैं सलफ का हवाला दे रहा हूँ। फाइन तनाजा से क्या मुराद है? इमाम अबू बकर जस्सास रहिमहुल्लाह 370 हिजरी अल मुतवफ्फा उलिल अम्र की तफसीर उलमा से करने के सिलसिले में है, और उलिल अम्र की इताअत करने का हुक्म देने के बाद अल्लाह ताला का ये फरमान है, अगर किसी मामले में के दरमियान इख्तलाफ हो जाए तो उसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ लौटा दो। इस बात की दलील है कि उलिल अम्र से मुराद फुकहा है। आप यहाँ तक समझ गए ना? क्योंकि अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को उनकी इताअत करने का हुक्म दिया है। तफसीर क्या लिखते हैं अबू बकर जस्सास रहिमहुल्लाह कि क्योंकि अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को उनकी इताअत का हुक्म दिया है, और फाइन तनाज़ातुम फरमाकर उलिल अम्र को हुक्म दिया है कि जिस मामले में उनके दरमियान इख्तलाफ हो उस अल्लाह की किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ लौटा दो। ये हुक्म फुकहा को हो सकता है, समझे आप? ये हुक्म फुकहा को हो सकता है क्योंकि आवामुन नास और गैर अहले इल्म का ये मकाम नहीं है, इसलिए कि वो इस बात से वाकिफ नहीं हो सकते। बिल्कुल सही कहा मेरे भाई, गैर अहले इल्म यानी कि जिसके पास इल्म नाम की कोई चीज ना हो, लेकिन अहले हदीस तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो बात को पलटा सकता है अल्लाह और अल्लाह के नबी की तरफ। आप सुन लीजिए बाकी। और दूसरी चीज ये है, आप कह रहे हैं कि भाई ये उलिल अम्र ठीक, इनमें से जो आखिरी जो आपके जो भाई वो इमाम है और हम सबके जो भाई अइमा है ठीक है, इमाम वो अहमद बिन भाई वो हम्बल रहीमुल्ला ठीक है, तो उन्होंने भाई उनके दौर में एकदम लास्ट में भाई जो ये तकलीद होती है ना इसकी स्टार्टिंग हो गई थी ठीक है, हल्की हल्की स्टार्टिंग हो गई थी। तो आपने भाई उसी टाइम कह दिया था कि दीन में किसी की तकलीद ना करना, ना मेरी ना इमाम औजाई की ना उसकी ना इसकी, तो भाई आपने पहले ही रोक दिया कि दीन में किसी की तकलीफ ना करना, ना मेरी ना भाई जो बाकी है मैं उनकी। इमाम अबल्ला ने फरमाया था ना मेरी तकलीफ करो, ना इराक में इमाम उज़ई की, ना शाम में इमाम। हाँ रोका ना तकलीफ से, हम कह रहे हैं किसी को भी कहो कोई भी इमाम का नाम लियो, रोका ना तकलीफ से, तो आप लोग भी रुक जाओ तकलीफ से, बात खत्म। उसका हवाला मैं बाद में दे रहा हूँ, पहले आप इस हवाले को तो मुकम्मल करने दीजिए। चलो ठीक है।
इसका इसको तुम लीजिए पहले फाइन। अरे मेरे भाई तकलीद की जो तारीफ है, तकलीद की तारीफ ये है कि बिना दलील के किसी गैरे नबी की बात को भाई उसको मान लेना, ठीक। तो ये जो माना है ये माना ही आप हमको बता दो कुरान हदीस में कि अल्लाह या अल्लाह के नबी ने कहा हो कि हाँ तुम लोग किसी की भी बात को बिना दलील के मान लो, इसका माना ही आप बता दो। अल्फाज तो हटाए तो तकलीद का, आप तकलीद का मुराद आप लोगों ने बोलिया है ना, अभी मैं असलत से बता रहा हूँ तकलीद का मुराद। हाँ तो तकलीद की तारीफ पहले आप बताइए, वरना ऐसे तो भाई पता है ना तकलीद भाई एक खिलौना है झुंझुना है जिसमें आप भाई वो उलझ जाएंगे, आप समझ रहे हैं। तो पहले तकलीद को आप क्या मानते हैं पहले ये हमको बता दो, आप क्या मानते हो तकलीद को? तकलीद को वही है कि बगैर दलील के किसी को बात के मान लेना सही हुज्जत समझ के कि उनके पास कोई दलील बतौर होगा। यही बात मैं नहीं, इमाम गजाली भी फरमाते हैं कि इत्तबा का माना भी इमाम गजाली वही लेते हैं कि बगैर दलील के किसी को बात को मान लेना। अरे मेरे भाई इमाम गजाली की अपनी अलग तहकीक है ना, मैं नहीं उनकी भाई हम नहीं मानते उनकी तहकीक को, बताइए आप। तो आप हम आपकी तहकीक को क्यों माने? तो हम तो दलील दे रहे हैं ना मेरे भाई, इत्तबा जो होती है भाई वो बद भाई वो बदलील होती है और जो तकलीद होती है वो बेदलील होती है, दोनों में जो फर्क है वो दलील का है भाई। इत्तबा होगी दलील के साथ होगी, तकलीद होगी बिना दलील के होगी, तो दोनों कैसे ही भाई वो एक हो सकते हैं। ये तो भाई मतलब भाई वही बात हो गई कि तौहीद और शिर्क भाई दोनों एक ही है भाई, ये सुन्नत और बिदअत दोनों एक ही है, रात और दिन दोनों एक ही है, इत्तबा और भाई ये जो तकलीद है दोनों एक ही है, तो हम कैसे मान लेंगे? तो भाई आप जो हवाला दे इमाम गजाली का कॉल अभी आप ठीक से मेरे भाई समझे नहीं है, ठीक है। मैंने पूरा समझ लिया, समझने के बाद आपको हवाला दे रहा हूँ भाई उन्होंने क्या कहा था कि भाई इत्तबा करना है, इत्तबा जब वो भाई सामने वाला भाई तकलीद का नाम ही नहीं भाई उसने भाई वो नहीं लिया, वो तो कह रहा है इत्तबा करनी चाहिए अल्लाह की, अल्लाह के नबी की, आलिमों की, उलमाओं की, भाई हम कुछ कहते इत्तबा करो। अरे भाई मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि इमाम गजाली ने इत्तबा को बगैर दलील की बात को मान लेने को कहा ना, और वही तो चीज उनकी गलत है ना। अरे यार आप इमाम गजाली गलत हो सकते हैं तो हम आपको क्यों तो मासूम है क्या मेरे भाई इमाम गजाली? मासूम हो क्या? अगर तो हम सब मासूम है, हम अपनी बात कहाँ पेश कर रहे हैं भाई, हम तो अल्लाह अल्लाह के नबी की बात पेश कर रहे हैं, आपकी मर्जी हो तो मानो, नहीं मर्जी हो तो ना मानो। अरे यार आप अल्लाह अल्लाह के इमाम गजाली की मेरे भाई कितनी सारी भाई किताबें हैं, उनमें से बीच में से किसी एक किताब की आधे जुमले को ले लेना, पूरा बैकग्राउंड समझना पड़ता है ना। अरे भाई मैं तो पूरा पैराग्राफ का हवाला दे रहा हूँ ना। अरे पैराग्राफ मेरे भाई फिर वही चीज, अभी मैं आपको एक लाइन अभी मैं कुरान की एक ही आयत बीच में से उठा के आपको दे दूँ तो आप क्या उससे मतलब भाई वो अगली पिछली जो भी मसला है उसको आप समझ जाओगे, ऐसा थोड़ी ना है। कुरान और आम इंसान के किताब में फर्क समझते हैं आप? अरे मेरे भाई हम सब समझते हैं, इसीलिए आपको भी एक छोटे भाई की तरह हम समझा रहे हैं। तकलीद करना भाई ये जो था एक भाई ये मजबूरी थी, लेकिन बाद में इसको आप लोगों ने जबरदस्ती के लिए भाई इसको जरूरी कर दिया, ठीक है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरह तौबा की आयत नंबर भाई 31 में कि उन लोगों ने अपने आलिमों को, दरवेशों को, पादरियों को अपना रब बना लिया है, ठीक। और इस आयत की हाँ इस आयत की भाई तफसीर में भाई एक भाई वो हदीस से बुखारी की एक सहाबी से भाई वो पूछते हैं अल्लाह के नबी से कि अल्लाह जब हाँ वो अल्लाह के नबी जब हम भाई वो मतलब ईसाई थे तो हम तो अपने पादरियों को हम नहीं बनाते थे अल्लाह, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर तुम्हारे जो आलिम थे, पादरी थे, ठीक है, उलमा थे, अगर वो किसी चीज के भाई वो हराम अगर बोल देते तो तुम लोग उसको मान लेते थे? तो साहबी ने कहा कि हाँ मान लेते थे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ इसका मानना यही है कि तुमने अपने आलिमों को रब बना लिया है, क्योंकि अगर तुम्हारे आलिम दिन कह देंगे हराम है तो हराम है, हलाल है तो भाई वो हलाल है। इसी तरीके से आज के जो भाई आप लोग तकलीद कर रहे हो, आपका मसलक कह देगा जायज है तो जायज है, नाजायज है तो नाजायज है, यानी कि गोया कि आपने अपने भाई जो आपके जो भाई इमाम है उनको अपना रब बना लिया, अपना अल्लाह बना लिया है। अरे भाई ये आप कहाँ से कहाँ फिटिंग कर रहे हो? भाई देखिए अभी कोई हमसे भाई अभी एक का फोन आया था बकरीद में मेरे पास, ठीक है। तो मतलब बहुत बड़ा भाई वो तकलीदी था, ठीक है, हमसे वो कह रहा था कि आप भैंस खाते हो, भैंस मतलब खाना भाई ये मतलब ये जायज है कि नहीं, हलाल है कि नहीं।
तो मैंने कहा हाँ भाई वो हलाल है, तो कह रहा है कि नहीं भैंस को अरबी में कहते हैं जामूस, तो जामूस का अल्फाज हमको भाई वो कुरान में दिखाओ हदीस में दिखाओ। ठीक, तो मैंने उससे भाई वो सीधा सवाल पूछा था कि जो ये भैंस है ये भाई आपके नजदीक क्या है। उसने कहा भाई वो भाई ये भैंस को तो हमारे जो भाई वो इमाम है उन्होंने भाई उसको वो हलाल कर दिया। तो मैंने उससे फौरन कहा माज अल्लाह, यानी कि आपके जो भाई वो इमाम थे उन्होंने भैंस को मतलब भाई वो खाने को बोल दिया हलाल कर दिया, यानी कि गोया कि आपने अपने इमाम को अपना रब बना लिया है। भाई हम तो इसलिए खाते हैं क्योंकि भाई अल्लाह ने इसको भाई भाई मतलब जो भी भाई वो जानवर है मवेशी जानवर है ठीक है उनको अल्लाह ने भाई वो बोल दिया कि हाँ इनका इस्तेमाल कर सकते हो ऊन के लिए इसका और खाने पीने के लिए सामान के लिए चमड़े के लिए ठीक है हम तो इसलिए खाते हैं, लेकिन आप इसलिए खाते हो क्योंकि आपके भाई वो इमाम ने उसको भाई वो कर दिया जाए। तो ये मामला भाई तकलीद के इतने नुकसान है भाई उम्मत में भाई वो इख्तलाफ पैदा हो रहा है, लोग एक दूसरे से नफरत करने लग रहे हैं, कोई भी भाई कुरान हदीस को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, सब सोच रहे हैं कि जो हमारा मसलक कह रहा है उसी पे चलो उसी पे बेड़ा पार हो जाएगा। तो इंसान तहकीक ही नहीं कर रहा है। हम तहकीक भाई ये नहीं कहते हैं कि तहकीक तुम मतलब कोई वो मतलब वो न, मतलब वो दीन में कोई खोजबीन करो, खोजबीन ना करो, तुम्हारा जो मसला है इल्म हासिल करते जाओ, इल्म हासिल करते जाओ, आखिरी सांस तक भाई कुछ ना कुछ भाई अपने दीन के बारे में जानते रहो, क्योंकि भाई वो जितने ही जानोगे उतने ही तकवा तुम्हारा मजबूत होगा, उतने ही तुमसे अमल होगा और उतनी तुम आगे तक भाई इल्म को फैलाओगे। ठीक है, लेकिन अगर हम अंधे बन के बैठ जाएगा तो उससे फायदा नहीं होगा ना। तो हो गया आपका। हाँ बताइए। तो आपने बोला कि उलमाओं को रब बना लिया, ठीक है, इमाम ने हराम कर दिया तो हलाल कर दिया तो रब हो गए। आप बताइए कि ना फैज का लफ्ज कुरान में है ना हदीस में है, आपने खुद इस्तिहाद किया है कि नहीं? हाँ तो इस्तिहाद तो जायज है ना। हाँ तो इस्तिहाद जायज है, तो इमाम साहब ने जो इस्तिहाद किया तो उसको मानना गलत हो सकता है क्योंकि इस्तिहाद का हुक्म तो नबी ने दिया ना। तो वही तो बता रहे हैं ना, हम लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि भाई जो भैंस है भाई वो कुरान हदीस के उसूल से जायज है, लेकिन भाई जो ये मुकल्लिद है वो इसलिए खाते हैं कि उनके इमाम ने उसको हलाल कर दिया है, तो गोया कि उन्होंने भाई उनको अपना इमाम बना रखा है ना, अपना अल्लाह बना रखा है। इमाम बनाना और अल्लाह बनाना दोनों में फर्क वही बता रहे हैं ना, अपने इमाम को उन्होंने अपना रब बना लिया। भाई भाई एक बताइए कि हलाल हराम कौन करता है, अल्लाह करता है या कोई उम्मती करता है? तो आपने कैसे हलाल कर लिया? तो भाई हम तो इसकी दलील दे रहे हैं ना कुरान से, मेरे भाई हमने उसको हलाल किया है। तो इमाम ने भी कुरान से ही दलील निकल के हलाल किया ना, तो ये कहे ना मेरे भाई, देखिए यही तो फर्क होता है मुकल्लिदों में। मुकल्लिद को कहना चाहिए कि हमारा जो दीन है भाई वो कुरान हदीस से साबित है, ठीक, लेकिन वो ये कहते हैं, वो ये समझाना चाहते हैं कि नहीं कुरान हदीस से साबित नहीं है, बाद में हमारे भाई वो इमाम आए उन्होंने तहकीक करके हमको बताया, तो ये हो जाता है गोया कि उन्होंने अपने इमाम को अपना रब बना लिया है। वो कोई बोले तो उसका मसला है ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरा है। अगर कोई भाई आप मेरा है, आपने अपने इमाम शाफई को अपना भाई अल्लाह बनाया है कि नहीं? मैंने रब नहीं बनाया, रब नहीं बनाया है। आपके इमाम शाफई अगर कह देंगे ये चीज जायज है भाई ये नाजायज है, तो आप क्या करोगे, उनकी मानोगे कि नहीं मानोगे? बेशक मानेंगे अगर वो कुरान हदीस के सही के खिलाफ ना हो। तो ये आप भाई ये आप फैसला कैसे करोगे कि भाई वो मतलब कुरान से मतलब साबित हो या उसके भाई वो खिलाफ हो? कैसे साबित करेंगे? हाँ मतलब आप तो तकलीद करते हो, आप तो बिना दलील के मान रहे हो, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि हम देखेंगे कि हाँ भाई वो कुरान हदीस से साबित है कि नहीं। अरे भाई जो अगर आप खुद इस्तेहाद करके मसला पा सकते हो, जिसके आपके अंदर तो सलाहियत भी नहीं है इस्तेहाद करने की। क्यों नहीं सलाहियत है मेरे भाई? सलाहियत है, अल्लाह ताला ने खाली इमाम शाफई को देके नहीं भेजा है। नहीं नहीं है, इमाम नबवी रहिमहुल्लाह, इमाम नबवी रहिमहुल्लाह इस्तेहाद के लिए पांच शर्तों का बयान, पांच शर्त होने के लिए लाजिम बताते हैं क्या है। उसको अरबी आना चाहिए, अरबी में पावरफुल होना चाहिए, ठीक है। हाँ चलिए आप बता दीजिए।
हदीस को पूरा जानना होगा कि सही है कवि है, सही है तो किस लिए है, कवि है तो किस लिए है, जईफ है तो किस लिए है। जिसे असरार सहाबा और फैले सहाबा दोनों का माहिर होना चाहिए। सहाबा के इस पर अमल क्या था और सहाबा का कौल क्या था। नंबर फोर अरबी जबान। अरे मैं मेरे भाई कर चुका हूँ, हाँ समझ रहे हैं भाई, वो इश्तिहाद भाई मैं कर चुका हूँ अपनी लाइफ में एक बार। तो भाई जो आदमी सलाहियत नहीं रखता फिर भी इश्तिहाद करता है। अरे मेरे भाई सलाहियत मेरे अंदर है तभी तो मैंने किया। मैं एक बार मेरे भाई अरे मेरे भाई एक बार में भाई मैं एक पार्क में भाई मैं गया था घूमने, ठीक है, घूमते घूमते एकदम अंदर चला गया। वहाँ पे मतलब खूब सारे पेड़ थे और नमाज का टाइम हो गया। अब मेरे को नमाज पढ़नी थी, वहाँ पे कोई आदमी भी नहीं था। तो मेरे भाई हमने अब हम सोच रहे हैं भाई काबा इधर है या उधर है या उधर है। तो मैंने अपना भाई वो इश्तियात किया और मैंने अपनी नमाज पढ़ ली। तो अब क्या नमाज छोड़ के हम भाई वो मतलब वो शाफी आलिम के पास जाएंगे, क्या मेरे को आप फतवा दीजिए कि मैं जंगल में हूँ तो मैं नमाज कहाँ पढ़ूँ, उतनी देर में तो मेरी नमाज छूट जाएगी। तो मैंने अपना भाई वो इश्तिहाद किया और मैंने नमाज पढ़ ली। नहीं नहीं वो इश्तिहाद अलग है ना, कुरान और हदीस से जो मसला निकलने का इश्तिहाद है वो आपके अंदर सलाहियत है। हाँ तो मेरे भाई वही तो बता रहे हैं ना, जब मेरे भाई आपको हम एक चीज आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, अगर आपके जो इमाम शाफई हैं अगर वो कह दें कि ये हलाल है ये हराम है तो आप उनकी बात को मानोगे या नहीं मानोगे ये बताओ। बेशक मानेंगे। तो आपने उनको अपना अल्लाह बना लिया। अल्लाह बनाना कैसे मुमकिन है। तो मेरे भाई साहबी भी तो कहते थे ना कि अल्लाह के नबी, हमने तो अपने पादरियों को अपना भाई अल्लाह हमने भाई नहीं बनाया था। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हारे आलिम उल्मा पादरी जब कहते थे हलाल है तो हलाल है और हराम है तो हराम है, तुम लोग मान जाते थे। तो भाई साहबी ने कहा कि हम लोग मान लेते थे। तो अल्लाह के नबी ने कहा हाँ, तो यानी कि तुमने उनको अपना अल्लाह बना लिया था। वो इश्तिहाद करके बताते थे, अल्लाह के नबी ने खुद इश्तिहाद के हुक्म दिया है और इश्तिहाद हुक्म दिया है मेरे भाई। लेकिन आपको कैसे पता चला कि उनका जो भाई ये ऑर्डर है कि भाई ये मतलब ये हलाल है हराम है ये सही है या गलत, आपने तहकीक की चीज सीखी। पहली बात तो आपको ये जानना होगा कि इश्तिहाद पे अमल हो सकता है कि नहीं, उसके बाद ही आप फतवा सोच सकते हैं कि इमाम को। अरे इश्तिहाद पे अमल होगा, अब मानिए मेरे भाई अब कोई इश्तिहाद कर रहा है कि रोजे की भाई वो हालत में हाथों से मनी खारिज करने पे कोई का रोजा भाई टूटता नहीं है, ठीक, आप क्या अंधों की तरह उसकी बात को मान ले। अरे भाई वो देखना पड़ेगा वो मसला किसका है। भाई हनफियों का मसला है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है भाई, ये दुर्रे मुख्तार जिल नंबर एक सफा नंबर 512 पे लिखा है कि अगर कोई इंसान भाई वो रोजे की हालत में हाथों से मनी खारिज करता है तो उसका रोजा फासिद नहीं होता। तो अगर कोई भाई अगर कोई हनफी मुकल्लिद है भाई वो तो जाहिल है, अब उसका मन कर रहा है रोजे की हालत में मूड बन गया, अब उसने तो भाई उसको तो मालूम ही है क्या मेरी तो भाई जो भाई किताब है उसमें ऐसा लिखा हुआ है और उसने रोजे की हालत में इतना मतलब भाई वो गंदा अमल कर लिया। तो अब बताइए उसका क्या होगा। पहली बात तो ये है भाई जो आप हवाला दे रहे दुर्रे मुख्तार उससे दूर दूर तक इमाम हनीफा रहिमहुल्लाह से कोई वास्ता नहीं है। तो वो तो मैं भी जानता हूँ मेरे भाई, लेकिन हनफी लोग तो भाई उनको भाई मतलब वो इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह पे मतलब भाई वो मंसूब करते हैं और उसको भाई वो कुरान हदीस का भाई वो जूस कहते हैं, निचोड़ कहते हैं। तो यही तो तकलीफ का नुकसान है कि नहीं। तकलीफ का नुकसान इसलिए कैसे हो सकता है अगर वो भाई चाहिए। भाई मैंने आपसे बहुत देर बात कर ली, अब मैं आखिरी सवाल भाई पूछ रहा हूँ, अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो मैं आगे बात करूंगा वरना भाई मैं फोन काट दूंगा। मेरे पास एक ही बात बार बार भाई अब बोलने का ताकत नहीं, मेरे भाई अंदर से फीवर है थोड़ा, ठीक है बोलिए। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि आपकी इमाम शाफई अगर कह दें ये जायज़ है ये नाजायज है ये हलाल है ये हराम है तो आप उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। मानेंगे 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 दलील की बुनियाद पे मानेंगे या ऐसे मान लेंगे। बगैर दलील मानेंगे। तो यानी कि आपने उनको अपना अल्लाह बना लिया, ठीक है भाई। तो उसके मैं हवाला नहीं, आपने उनको अपना अल्लाह बना लिया क्योंकि मेरे भाई मतलब कुल मिला के आपने ये सोच लिया है कि नहीं इमाम शाफई जो भी कहेंगे वो सही होगा क्योंकि वो मासूम है, उनसे कभी कोई गलती खता नहीं हो सकती, उनके ऊपर डायरेक्ट भाई वो वही आती है तो वो भाई वो पाक शफाक है,
ठीक है, उनके सारे मसले 100% सही है, उनसे कोई चूक होने का मतलब 1% भी चांस नहीं है, यानी कि गोया आपने उनको इनडायरेक्टली अपना अपना अल्लाह बना लिया, अपना रब बना लिया। ठीक है भाई, हवाला में सुनना ही नहीं, आपके नजदीक आपके इमाम शाफी अल्लाह है और हनफियों के नजदीक उनके जो अल्लाह है वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह है, उनको ना दलील देखना है, ना जांचना है, ना उनको तहकीक करनी है, बस उनको अंधों की तरह अपने इमाम को फॉलो करना है। आपको ऐसी तकलीफ भाई, आप अपने पास आप तो खुद भाई, हमारे वहाँ तो तकलीफ है ही नहीं, हम लोग तो किसी एक इंसान की तकलीफें शक्ति करते नहीं है, आप खुद को हम किसी एक इंसान की तकलीफें शक्ति करते नहीं, ना ही किसी एक सहाबा की तकलीफ करते हैं। ठीक है, और अगर तकलीफ जायज होती इस दीन इस्लाम में तो चार जो भाई हमारे वो खुल्फा राशिदीन है उनकी तकलीफ जायज होती। ठीक है, लेकिन जब उनकी जायज नहीं हुई तो उनके बाद तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अब चाहे कोई कितना बड़ा अल्लामा क्यों ना पैदा हो जाए, उसकी तकलीफ भाई नहीं की जाएगी, उसकी इत्तबा की जाएगी। अगर वो इंसान अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात बताएगा लोगों को तो हम उसकी बात मानेंगे, अपनी बात बताएगा वो भी बिना दलील के तो हम उसकी बात को दीवार पे मार देंगे, कह देंगे दलील लेके आओ तो मानेंगे, तुम हमारे लिए हुज्जत नहीं हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। इमाम शाफी की कोई औकात नहीं है, इमाम शाफी की कोई औकात नहीं है, इमाम शाफी जो अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात बताएंगे उनकी औकात है, इमाम शाफी बाजार कोई हमारे लिए भाई वो नबी नहीं है। आप तो काजिया हो गए ना, गुमराह फिरका हो गए। फिर वही चीज भाई, इमाम शाफी हमारे लिए हुज्जत नहीं है, इमाम शाफी की बात हमारे लिए भाई वो हुज्जत नहीं है, इमाम शाफी जो भाई वो दीन की जो भाई खिदमत करेंगे अल्लाह और अल्लाह के नबी के फरमान के भाई हिसाब से हम उसको मानेंगे। सलाफ कैसे हुज्जत हो गए, सलाफ कैसे हुज्जत हो गए, इमाम शाफी हुज्जत नहीं, इमाम गजाली हुज्जत नहीं, तो हुज्जत है कौन, अल्लाह और अल्लाह के नबी और प्यारे साहबा, तो सलाफ कौन है, कौन फला सलाफ, सलाफ कौन है, इमाम इब्न तैयबा सलाफ नहीं है, इमाम गजाली सलाफ नहीं है, इमाम शाफी सलाफ नहीं है, इमाम भाई सलफ सौलीन से मुराद आपको मालूम है भाई, सलफ का माना होता है जो भाई वो सहाबा ताबई तबे ताबई हो और उनके नक्शे कदम पे जो आज तक कयामत तक चलता रहेगा उसको सलफ कहेंगे। ठीक है, तो फिर अब कोई भी भाई वो कोई भी सलफ उठ के कुछ भी लिख देगा ना, उसकी भाई वो कोई मतलब भाई वो दलील देगा, हम उसकी बात को कैसे मान लें, आपको मानना है आप मानो ना, आप अंधे हो गए तो क्या हम भी अंधे हो गए, तो आप रैप करके दिखाओ ना भाई, आप रैप करने के बजाय भाई ऐसे तो हम अगर एक ही सवाल पूछ लेंगे तो आप उसका रद्द नहीं भाई आप कर पाओगे। ठीक है, अरे अरे भाई तुम तो रद्द करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है कुरान भाई जो कुरान हदीस की जो वाज़े पैगाम है वाज़े तालीमात है उसको आसान करके आपके सामने पेश कर दें, मानना या ना मानना वो आपके ऊपर है। आपने भाई इतनी बड़ी बात कह दी कि इमाम शाफी जो भी कह देंगे हलाल है हराम है जायज है नाजायज है हम बिना दलील के उसको मान लेंगे, यानी कि गोया की जो भाई वो ईसाई लोग करते थे पादरी लोग करते थे वही क्वालिटी आपके अंदर भी आ गई है, आपने भी उनको अपना रब बना लिया। ईसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म नहीं दिया था, अरे मेरे भाई हनफियों ने तो यहाँ तक उतार दिया है कि भाई वो ईसा अलैहिस्सलाम भी जब नाजिल होंगे तो वो भाई वो मतलब वो क्या बोलते हैं हनफी हो जाएंगे, हनफी मजहब पे रहेंगे माजल्ला। आप बताइए वो मैंने पढ़ा नहीं है भाई, इसका इल्म नहीं है, जो इसका इल्म नहीं है तो वही तो बता रहे ना मेरे भाई, तकलीद ने किसी को नहीं बख्शा, नहीं नहीं इमाम अबू हनीफा ने कहा तकलीद ने सबको तकलीफ दी है, किसी तकलीद ने ना अल्लाह को छोड़ा ना अल्लाह के नबी को छोड़ा ना ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़ा ना किसी वली को छोड़ा ना किसी सलफ को छोड़ा, तकलीद ने सबका बेड़ा गर्क कर दिया भाई, तकलीद से सबको तकलीफ हो गई है, मुकल्लिद सभी है भाई, मुकल्लिद क्यों बनो मेरे भाई, साहबा हमारे क्या थे मुकल्लिद थे, अल्लाह के नबी हमारे क्या थे मुकल्लिद थे, वो अल्लाह के क्या थे, वो नबी थे, वो नबी थे तो नबी से थे तो इंसान ना उम्मत में सुत थे, उनके ऊपर शरीयत नाजिल हुई वो किसके तकलीद करेंगे, अरे तो शरीयत नाजिल हुई तो जो साहबा ने भाई जो दीन सीखा वो क्या भाई वो तकलीद से सीखा या इत्तबा से सीखा, साहबा और नबी कैसे इत्तबा और तकलीफ दोनों एक ही है ना, कोई डिफरेंस नहीं है ना, तकलीफ इत्तबा दोनों एक ही है, तो तुम लोग भाई इत्तबा भाई करना स्टार्ट कर दो ना, तकलीफ छोड़ दो, ठीक है इत्तबा ही मान लो, तो इत्तबा ही मान लो, ठीक है हाँ, तो इत्तबा करते रहो, इत्तबा अगर करना है तो दलील तुमको जाननी पड़ेगी, बगैर दलील की इत्तबा होती है ना इमाम भाई, गजाली तो भाई ये दुनिया का कोई जाहिल इंसान ही होगा जो कहेगा कि इत्तबा बिना दलील होती है,
तो इमाम गजाली नाउज़ बिल्लाह इमाम इतने बड़े जाहिल थे नहीं, तो अल्लाह ताला ने भाई जो आयत को नाजिल किया है कि अल्लाह ताला ने भाई वो माजल्ला ऐसे हवा में नाजिल कर दिया, उसका माना नहीं है कोई। तो इमाम गजाली से आप ज्यादा कुरान को समझते हो? और क्या मेरे भाई दो मेरे भाई हाँ हाँ हा। तो, नहीं ऐसे तो हम भी कहते हैं कि क्या अल्लाह ताला से भाई वो ज्यादा, क्या आपके इमाम साहब को मालूम था कुरान? इमाम साहब को, इमाम साहब हाँ। ने अल्लाह के उसे कलाम से इतिहास करके आप फैसला किया। नहीं तो जो नाजिल कर रहा है उसको नहीं मालूम है, और जो उससे मतलब भाई वो कयास कर रहा है उसको मालूम है? तो अल्लाह ताला ने कुरान कुरान में नमाज का हुक्म बताया है। अरे मेरे भाई फिर यार तुम टॉपिक से भाग रहे हो, इसी बात पे मूड मेरा खराब होने लगता है। एक तो तबीयत नहीं ठीक है, उसके बाद तुम लोग को अपने फोन से फोन करो, उसके बाद तुम लोग भाई उल्टी सीधी बात करने लगते हो। अरे भाई तो आपने इमाम गजाली तुम्हारे कौन है, बाप है तुम्हारे जो उनकी बात को बिना दलील मान रहे हो? कौन है तुम्हारे भाई? इन सलफ में से, सलफ की बात मानते हैं हम। नहीं तो सलफ की बात मानते हो तो क्या भाई अंधे बन के मानते हो? सलफ कोई भी कह देगा उसकी मान लोगे? तो आप सलफ को क्यों मानते हो? चलो ठीक है भाई, पिराने पीर को मानते हो? वैसे मानते हैं। मानते हो ना सलफ, मानते हो कि नहीं? हाँ हाँ, तो वो कहते हैं कि आज की तारीख में अहले सुन्नत वल जमात का एक ही नाम है जो है अहले हदीस, और अहले हदीस किसी की भाई तकलीद नहीं करता, यानी कि साबित हो गया कि अहले सुन्नत वल जमात के जो भी लोग हैं वो लोग भाई तकलीद करते नहीं है। नहीं लिखा भाई गुनियतुल तालिबीन सफा नंबर 17 पे जाके खोल के देख लेना, अहले सुन्नत वल जमात का एक ही नाम है वो है अहले हदीस। और तकलीद करने से नहीं है वहाँ पर, आप सिर्फ बोले हो। अरे ये मैंने बताया कि अहले हदीस किसी की तकलीद नहीं करते हैं, यानी कि जो तकलीद भाई वो नहीं करता है वही अहले सुन्नत वल जमात है, और जो लोग तकलीद करते हैं वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हैं। तो फिर आपको मैं हवाला दे रहा हूँ इसका। अरे हवाले ही देते रहोगे या तुम्हारे पास कुछ काम की भी बात है? हवाला ही से तो बात चलेगा ना भाई, मेरे काम होता तो मैं नहीं, हवाला तुम नहीं दे रहे हो, तुम हवा में बातें कर रहे हो। कुरान की जिस आयत से तकलीद का इनकार होता है उससे तुम तकलीद को साबित कर रहे हो, ठीक? एक भी हदीस तुमने पढ़ी नहीं। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, उसके ऊपर भाई वो उसकी तफसीर में जो भाई जो हदीस थी उसको बता दिया तुमने, क्या से बताया? अरे मैंने इमाम शाफई को तुमने अपना रब बना लिया है? रब तो हम अल्लाह के इतवा किसी को नहीं बनाते, रब तो तुमने खुद। नहीं तो आपके वहाँ हलाल हराम कौन करता है, आपके इमाम करते हैं या अल्लाह करता है? तो आपने फैस को किस वजह से हलाल किया? अब रब अब खुद अल्लाह ने कहा किया, अल्लाह ने हलाल किया ना, कहा गया मतलब बोलो अल्लाह ने लफ्ज़े फैस का अल्लाह ताला फरमाता है वमा अताकुम रसूलु वखुजू, यानी कि अल्लाह के नबी जो तुमको दे उसको ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। और अल्लाह के नबी ने कह दिया है कि भाई वो जिन जानवरों के दांत भाई वो चपते हों, ठीक, आप उन जानवर को खा सकते हैं, मवेशी जानवर को, तो उसमें भैंस भी आती है, भैंस के भी दांत चपते हैं, वो भी भाई वो भाई मतलब भाई वो दूध देती है, और भाई वो मवेशी जानवर है तो हम उसको भी खा सकते हैं, और जिनके दांत भाई वो मतलब भाई वो नुकीले हों उनको नहीं खा सकते, जैसे भाई कुत्ता है, बिल्ली है, सांप है, इनको नहीं खा सकते, उनके नुकीले दांत हैं। खोरा क्यों नहीं खाते हैं? खोरा खुदा खोरा खोरा क्या खोदा खोरा खोरा हॉर्स। हाँ तो क्या है ये? हाँ तो ये क्यों नहीं खाते भाई? ये है क्या, मैंने नाम ही पहली बार सुना। खैर टॉपिक से भाई ना भागो, ठीक है, हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, ठीक है, आप उसके टेंशन में ना लो। हम जो भी खाते हैं इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे अल्लाह ने उसको जायज किया है, इमाम ने जायज नहीं किया। और आपने भी अपनी जबान से कह दिया था कि इमाम शाफई की बात आप आग बन करके बिना दलील के मान लोगे, यानी कि गोया आपने उनको अपना रब बना लिया है। तो आपने अपने खुद को रब क्यों बनाया? मैं यही जानना चाहता हूँ, अगर मैंने इमाम शाफी को रब बनाया तो तुमने अपने आप को खुद के रब बना लिया? हाँ, यानी कि मतलब जो भी भाई वो कुरान भाई जो भी कुरान हदीस को मानेगा उसने अपने आप को रब बना लिया, यानी कि जो भी सहाबा थे उन्होंने अपने आप को रब बना लिया था माजल्ला। तो इमाम शाफी ने जो भाई शाहिद भाई देखो एक चीज बता दें भाई, जब भी भाई वो कोई भी हक बात आ जाए ना तो उसको कबूल कर लिया करो बिना बहस किए,
ठीक है, यहाँ पे बात भाई भाई वो जीत हार की नहीं हो रही है, यहाँ तुमने अफू खान को हरा दिया या अफू खान ने शाहिद को हरा दिया, यहाँ हार जीत की बात नहीं आ रही है। अब तुम्हारे सामने हक आ चुका है, ठीक है, अब उसको मान जाओ कि तुमने अपने इमाम को अपना रब बना लिया है, हालांकि तुम उनकी इबादत तुम नहीं करते हो, लेकिन तुमने उनको रब के बराबर ला के खड़ा कर दिया है। बात को समझो मेरी, अगर तुम इमाम शाफई की भाई तुम तकलीद ना करते, अगर उनके मसले मसाइल थे तुम उनको दलील की बुनियाद पे अमल करते तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही था, लेकिन तुमने क्या कहा कि हम बिना दलील के चाहे वो हराम कह दे चाहे हलाल कह दे हम उसको मान लेंगे, और वो 100% सही है, यानी कि गोया तुमने उनको मासूम बना लिया, अपना भाई वो रब बना लिया। तो यही सब छोटी छोटी बातें होती हैं जो तुम्हारे समझ में अभी नहीं आएगी, इसीलिए कह रहे हैं सूरह तौबा की आयत नंबर 31 को जाके एक बार तफसीर के साथ पढ़ो, ठीक है, आंसू आ जाएंगे तुम्हारे मेरे भाई जब तुम अकेले बैठ के सोचोगे कि हमने इतने साल जबरदस्ती शाफई हनफी मलकी हम्बली इनमें अपने आप को बांट रखा है, वहां से दीन लो जहां से इन चारों ने दीन को लिया है, ठीक है, इन चारों से दीन ना सीखो, इन्होंने जहां से दीन लिया है वहां से दीन लो, इन्होंने तो अपना काम कर दिया है, इन्होंने दीन की बहुत खिदमत की, इन्होंने दीन को आसान करके उम्मत को दे दिया है, अब हमें तो जो बातें सही साबित है उसको लेना है, जो साबित नहीं है उसको छोड़ देना है, अल्लाह के अच्छा। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेना है, तो अल्लाह की रस्सी को कौन छोड़ा है भाई, तो अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया ना तकलीफ करने वालों ने, उन्होंने कहा कि हमारी जो रस्सी है वो हमारा इमाम है भाई, हनफियों की रस्सी भाई वो इमाम अबू हनीफा है, शाफई की रस्सी इमाम शाफई है, तो सबकी अलग अलग भाई हो गई रस्सी, भाई सहाबा की रस्सी क्या थी, सहाबा की रस्सी थी अल्लाह का कुरान, अल्लाह के नबी का फरमान, तो ये भाई जो ये रस्सी है ये आज अहले हदीसों के हाथ में, तो भाई सबकी चिड़ होती है कि अहले हदीस तकलीफ नहीं करते, वो नहीं करते, इमामों को नहीं मानते, सहाबा को नहीं मानते, इल्जाम पे इल्जाम, हम सबको मानते हैं, सबकी मानते हैं, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के नबी के बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।